हम हरी सिंह हाई स्ट्रीट के उसी बाजार में हैं जहाँ पे कुछ देर पहले मिलिटेंटों ने एक ग्रेनेड हमला कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे ग्रेनेड यहाँ इस गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर गया है। यानी टारगेट पे CRPF की ये गाड़ी थी और इसके बाद जब ग्रेनेड इस गाड़ी पे लगा है तो रिपेल होके जो है बिल्कुल यहाँ पे ग्रेनेड गिरा है। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो आसपास शीशे थे वो बिल्कुल चूर हो गए हैं। ये गाड़ी यहीं पे बताई जा रही थी खड़ी थी और उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके शीशे जो है टूट गए हैं और जो भी साथ में गाड़ियाँ खड़ी थी उनके भी शीशे जो है वो बिल्कुल टूट गए हैं इस ब्लास्ट के बाद जो ग्रेनेड की वजह से हुआ है। कुल मिलाकर अभी तक बताया जा रहा है कि 9 जो सिविलियन हैं वो इसमें घायल है जबकि 5 को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। 1 की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी छावनी में जो इस इलाके को बदल दिया गया है। हालांकि ट्रैफिक को बीच बीच में छोड़ा जा रहा है ताकि लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले ऐसी गतिविधियों के इनपुट्स पहले से ही सुरक्षा एजेंसीज़ को है, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसे ग्रेनेड हमले होना एक चैलेंज भी रहता है सुरक्षा बलों के लिए। वहीं पे अगर हम कहें कुल मिलाकर अभी इस हमले में 9 स्थानीय लोग जो है घायल है जिसमें से 1 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।